बाद आप आए, ये हमारा रिपब्लिक का तीसरा समिट है अखिलेश जी। आपका आपको ऐसे आपको याद होगा जो आपका पिछली बार बस में बैठ के इंटरव्यू किया था हमने, उसमें तो ऐसा था कि लखनऊ में जो बना है आपने बनाया। मुझे तो लगा एक बार आप ये बोल देंगे कि लखनऊ ही मैंने बनाया, क्योंकि उसमें ऐसे ही हुआ था 102 मैंने बनाया, 119 मैंने बनाया, ये वाली बिल्डिंग मैंने बनाई, ये सड़क मैंने बनाई। मेरे को ऐसा लगा था कि ये हुआ था कि मतलब लखनऊ मैंने बनाया, ऐसे ना हो जाए, हुआ नहीं था। बहरहाल अखिलेश जी लगता आप बता नहीं पाए आखिरी में क्या कहा था मैंने। क्या वो शायद आपको याद नहीं? पुलिस के आप बाहर खड़े थे। हाँ, जो आखिरी में चले गए, क्योंकि जमाना ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा वायरल हो जाए चीज, हाँ, वो मानी जाती है। अच्छा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि शुरुआत आपने अच्छी की है, जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था उस इंटरव्यू का, वो लाइन क्या थी? वो ये थी अखिलेश जी कि भाई ये तुम्हारी बस बहुत ना वो है, वो नहीं है ये बस। तो हमने कहा था कि जितना चैनल बड़ा होगा उतनी बस बड़ी होगी। बहरहाल आगे चलते अखिलेश जी, आप आज यहां बैठे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, आज जब आज यहां बैठे हैं तो भी एक्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, देखिए माफिया के खिलाफ। जी आप बोल रहे हैं, जहां से आपने शुरू किया जी, कि लखनऊ किसने बनाया, लखनऊ की एक अपनी पहचान है, लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब की, लखनऊ की पहचान मिली जुली संस्कृति, लखनऊ का खाना, लखनऊ के संस्कृति, लखनऊ का अपना भाषा, और जो लखनऊ के अंदर चीजें बनाई हैं, कम से कम आपको ये बताना चाहिए कि बनाया किसने। कोई कुछ भी कह दे, मैं कह दूं कुछ, दूसरा कुछ कह दे, लेकिन आपकी लोग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जिम्मेदारी यह बनती है कि बनाया किसने। अखिलेश जी मुश्किल यही है कि अब देश का लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र बचेगा तो रिपब्लिक भी बचेगा। रिपब्लिक तो बचेगा, लोकतंत्र, और अगर रिपब्लिक बचाना चाहते हो तो लोकतंत्र बचाओ, इसलिए हमारे साथ खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, आप मेरे को यह बताइए, लोकतंत्र माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है, माफिया क्या है, माफिया डिफाइन करो प्लीज, आप बताइए। नहीं नहीं, आप डिफाइन करिए, क्या माफिया एक ही पार्टी में है? बिल्कुल नहीं। माफिया को चुनाव किसने लड़ाया, माफिया को विधायक किसने बनाया? ये तो आप मेरे से पहले, ये नहीं, तो नहीं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप बताइए ना, पूरी बात बताइए। ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं अखिलेश। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा ये, अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपको भी 5-7 साल लगे उनको अपनी पार्टी से दूर करने में। आपने किया, मैं ये नहीं कह रहा आपने नहीं किया, लेकिन आपको भी बहुत लंबा समय लगा ऐसे तत्वों को अपनी पार्टी से दूर करने में, इसलिए आप बेहतर जानते हैं। सवाल क्या पूछना चाहते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ माफिया के ऊपर एक्शन। अब मेरी बात मेरी तरफ मत आइए, आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं, ये क्लियर सवाल होना चाहिए। माफिया के खिलाफ एक्शन, तो आप साथ खड़े हैं कि खिलाफ? देखिए, माफियाओं के खिलाफ जनता रहती है, माफियाओं के खिलाफ मैं हूं, माफिया के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन माफियाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि माफिया क्रिकेट खेले, माफिया उनके साथ जाए, माफिया के साथ आप जेल में चाय कॉफी नाश्ता करें, यह नहीं हो सकता। किसी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के किसी माफिया से मुलाकात नहीं की होगी, किसी मुख्यमंत्री ने या किसी सरकार में ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि माफिया को चुनाव लड़ाना है, इलेक्शन कमीशन रात तक खुला हुआ है, सर्टिफिकेट पहुंच जाए उसके बाद चुनाव होगा, क्योंकि आपको किसी वोट का लाभ लेना है। वोट के लिए नफरत के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। नफरत आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा, यही बीजेपी एसपी होता रहता है, उसके अंदर बीएसपी भी आ जाती है, कांग्रेस तो कहां बची है मुझे नहीं मालूम इस समय उत्तर प्रदेश में। लेकिन बात इतनी सिर्फ है कि माफिया कोई भी हो, ना माफिया की जाति होती है ना धर्म होता है, जो आम व्यक्ति को तंग करे, तो पीपल हु आर ट्रबलिंग। अखिलेश जी, यू आर अ वेल रेड, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रैवल्ड पर्सन इन टुडेज टाइम, हाउ कैन जी, जो बात आप कह रहे हैं कि माफिया पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट होती है। मैं स्वीकार करता हूं कि माफिया पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मैंने कोशिश की। आप बताइए, वर्ल्ड क्लास पुलिस को रिस्पॉन्स सिस्टम दिया मैंने, डायल 100, क्या इसीलिए दिया था कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था खराब हो जाए, कानून व्यवस्था खराब हो जाए? एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? आप दूसरी पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताते कि कौन है उस पार्टी के अंदर? आप मानक तय करिए कि किसके ऊपर कितने केस हैं। आप कोई सरकार हमें बताइए जिस सरकार में मुख्यमंत्री ने अपने केस वापिस लिए हों। और मैं आपसे जानना चाहता हूं जी,
वो कौन सी धाराएं थी, वो कौन से मुकदमे थे जो किसी सरकार ने खुद वापस लिए हो? मुझे एक उदाहरण दे दीजिए आप। और ये सेम एलिगेशन जब बीजेपी से पूछा जाए, बीजेपी कहती है देखो समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी क्योंकि ये सब राजनीतिक द्वेष यानी पॉलिटिकल वेंडेटा। पॉलिटिकल वेंडेटा एक ऐसा अंग्रेजी का शब्द है, एक सॉरी है और एक पॉलिटिकल वेंडेटा। कहीं पे कुछ भी हो जाए वो पॉलिटिकल वेंडेटा। देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सामने आइए और सच बताइए कि अगर मेरे ऊपर मुकदमा है, मैंने वापस लिया है, तो आप बताइए कि ये मुकदमा आपने अपना वापस लिया है। अगर किसी मुख्यमंत्री ने वापस लिया है तो आप क्यों नहीं बताते हो कि मुख्यमंत्री पे 307 था जो वापस लिया गया है, दंगे का मुकदमा था वापस लिया गया, ये क्यों नहीं बताते आप? आप पीछे क्यों हट रहे हो? क्यों पीछे हट रहे हो आप? मैं क्या कर रहा हूं, यहीं बैठा हूं। तो आप बताइए कौन से मुकदमे वापस लिए गए? मैं तो कह रहा हूं ना, देखिए मैं जैसे ही बोला, देखिए वो जो आप 6 केसेस की बात करते हैं, चाहे बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कोई पार्टी का, कांग्रेस भी ले लीजिए, चलिए आपके तो वो दो, देखिए कांग्रेस से मुझे बात नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं है। हाँ। वहां सरकार बीजेपी की है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चारों के लिए, किसी के बारे में आपके ऊपर, क्या आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के किसी नेता के ऊपर? बोलिए, क्योंकि बात उलझ जाएगी। आप यूपी के विकास की बात करें, यूपी का विकास होगा तो देश का विकास होगा। आप तो मानते ही नहीं कि विकास हो रहा है, क्योंकि यूपी जिस तरीके से आगे बढ़ेगा तो शायद देश भी उससे आगे बढ़ेगा। सवाल यह है कि अगर पुरानी सरकार ने कुछ काम अच्छा किया है तो कम से कम आपको बताना चाहिए कि हाँ इस सरकार का काम है। मैं ये कहता हूं, और आप मुझे गलत साबित करिए इस बात को, तो कि मैं काम ये कहता मील का पत्थर जरूर लगा। मैं ये कहता हूं कि आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक जो एक्सप्रेसवे बना वो समाजवादियों की देन है। अगर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये डिजाइन न किया होता टेक्निकली कि सड़क पर आपके एयरफोर्स के हवाई जहाज उतर सकते हैं, अगर डिजाइन न किया होता तो क्या देश के प्रधानमंत्री हवाई जहाज लेकर के सड़क पर उतर जाते? अखिलेश जी ये आपने आज मान लिया, चलिए पहली बार ये अच्छा हुआ कि आपने रिपब्लिक पे माना कि आपने डिजाइन किया था, क्योंकि पता ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बीएसपी कहती है उन्होंने बनाए, एसपी कहती है उन्होंने बनाए, कांग्रेस कहती है, ये तो तीनों ऐसे बोल रहे हैं मैंने तो तब फाइल साइन कर दी थी। नहीं नहीं, आज आप कह रहे हो कि आपने डिजाइन, इतना बड़ा चैनल नाम रिपब्लिक रख रहे हैं, पूरी जानकारी रखनी चाहिए कांग्रेस। अरे थोड़ी नहीं पूरी रखी है, तभी तो नाम के साथ बता रहा हूं। कांग्रेस कहती है जब उनकी उस समय सरकार थी उन्होंने तब प्लानिंग बनाई थी ऐसी। आप कह रहे हैं कि आपने डिजाइन किया, बीजेपी कह रही है हमने तो बना दिया, बहन जी कह रही है भूलो मत फाइल पे साइन मेरा था, जनता कह रही है हमें तो सड़क चाहिए थी, जनता कह रही है हमें सड़क चाहिए, हमें नहीं मत नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? मैं ये बोल रहा हूँ जो रियलिटी है। देखिए आगरा तक दिल्ली से नोएडा टू आगरा जी मायावती जी की देन है, उसमें बीच में समाजवादी सरकार भी थी, उद्घाटन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। उसके बाद जो आपका आगरा से लेकर के जी और लखनऊ तक जो उस समय की सबसे बेहतरीन डिजाइन थी टेक्निकली, और एक हाईवे कैसे बनता है क्योंकि उसकी जो डिजाइन थी वो आज एनएचआई कॉपी कर रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बेटर डिजाइन थी उस समय की, और उसके बाद का डिजाइन समाजवादी सरकार का था क्योंकि टेंडर और चीजें हो गई थी, ये लैंड एक्विजिशन हो गया था, 70% लैंड एक्विजिशन हो जाए जी। उसका प्रोजेक्ट का आप दूसरी सरकार का बोलोगे आप? और फिर जो आज यूपी में मेट्रो चल रही है, नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली मेट्रो, नोएडा से ग्रेटर नोएडा चलने वाली मेट्रो, लखनऊ आगरा की मेट्रो, कानपुर की मेट्रो, लखनऊ की मेट्रो, मुझे लगता है लखनऊ बहुत याद आ रहा है, लेकिन याद आने के साथ साथ ये भी याद रखिए आप जो लखनऊ की मेट्रो है जहां तक समाजवादी सरकार में बनी थी उस जगह से वापस आ जाती है, इस सरकार में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ये जो इशू है अखिलेश जी, और मैं इसके बाद आगे अखिलेश भी है, सिर्फ एक हाईवे, एक मेट्रो, एक नहीं, एक अगर किसी गांव में नाली भी बनी है तो वहां भी एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सब ये कहते हैं मैंने बनाई है कोई, लेकिन जनता नहीं। नहीं आप तो देखिए, आप तो आजकल बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, आप तो आजकल यूपी में भी बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, बीच बीच में आप गाड़ी रुक जाते हैं, तस्वीरें आते हैं, आप जनता से मिल रहे हैं, आपको लगता नहीं कि जनता को इससे मतलब नहीं है कि किसने सैंक्शन की, किसने फाइल आगे बढ़ाई, किसने क्या तकनीक, उसको डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स नीड्स टू बी एलिवेटेड। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। थैंक यू। कुछ सरकारें हजारों करोड़ रुपए प्रचार पे खर्चती हैं, कुछ सरकारें खर्च नहीं कर पाई, इतना सा फर्क है, क्योंकि लोग ओन करना चाहते हैं।
आज मैं बैठा हूं, मैं इसीलिए ओन कर रहा हूं उन चीजों की मैंने बनाया। अगर मैंने नहीं बनाई होती तो शायद मैं ओन नहीं कर सकता था। मुझे पता है कि आखिरी गांव कौन सा है जहां तक सड़क गई है, अलाइनमेंट किस गांव में आखिरी, पखनपुरा है गाजीपुर का, लेकिन उसे एक इंच आगे नहीं बढ़ा पाए। शायद वो एक्सप्रेस वे आगे चला गया होता तो बिहार को जुड़ गया होता। आपने क्यों नहीं छोड़ा? केवल एक्सप्रेस वे इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपका, ये हो, मैं तो ये बात दूसरी और कह देता हूं। शहरी चुनाव चल रहा है, शहरों में चुनाव चल रहा है, और शहर हमारे कैसे अच्छे हों, उसका कूड़ा कैसे खत्म हो, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो। आपने स्मार्ट सिटी के बहाने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शहरों को चिन्हित किया। मैं जानना चाहता हूं, या जनता जाने, क्योंकि चुनाव हो रहा है, कि स्मार्ट सिटी में आपने क्या काम किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है? उन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हुआ, क्यों नहीं बेहतर किया आपने? आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम क्यों नहीं किया? आपने कहा कि हम गंगा मैया को ठीक कर देंगे, सफाई कर देंगे। आप बताओ गंगा मैया की कितनी सफाई की आपने? आप बताइए कौन सा नाला नहीं जुड़ रहा उससे? एक एग्जाम्पलरी काम समाजवादी सरकार ने करके दिखाया लखनऊ में, उसी शहर में जिसका नाम आप ले रहे हो, गोमती रिवर फ्रंट। वो देश का और रिवर फ्रंटों से भी सुंदर रिवर फ्रंट है, मैं आज भी दावा कर सकता हूं, पिछले 6 साल की बर्बादी के बाद भी। तो रिवर फ्रंट क्रिएट किया, आपके नदियां कैसे साफ होंगी जब तक आप और नदियों को साफ नहीं करेंगे? क्या यमुना साफ हो गई? वैसे 6 मिनट में आपने बोला कि जो भी प्रेजेंट सरकार है कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी जनता ने आपको एक बार नहीं, दो बैक टू बैक इलेक्शन हराए, इतना काम करने के बाद भी तो कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। अगर मैं आपकी एक बार बात मान भी लूं तो इसी लखनऊ ने, इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दो, इतने काम कर रहे आपने फिर भी हरा दिए। बहरहाल मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। आपने बिहार की बात की, सो फ्रॉम नीतीश कुमार टू अरविंद केजरीवाल, आप तो आजकल सबसे मिल रहे हैं या सब आपसे मिलने आ रहे हैं, है ना? देखिए अरविंद, नहीं नहीं, आपने कहा करोड़ों रुपए वाला, तो आजकल तो अरविंद केजरीवाल का करोड़ों रुपए का घर की बात हो रही है, बट मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, केसीआर, नीतीश कुमार जी ने आज अभी बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने कैसे गैंगस्टर को छुड़वा दिया जिसने एक सर्विंग, आप जानते हैं, आप तो डीएम से डायरेक्टली बात करते थे जब आप मुख्यमंत्री थे, एक सर्विंग डीएम को मारा था, मॉब लिंचिंग में उसका नाम था, उसको छुड़वा दिया। किस लिए? सो दैट ही कैन बी प्रेजेंट इन अ फैमिली फंक्शन। वापिस आ जाओ यूपी पर आप, तो शायद अच्छा रहे। नहीं, मैं सिर्फ बात बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे नेता आपसे मिलने आ रहे हैं आजकल। अरविंद केजरीवाल केम टू मीट यू, नीतीश कुमार केम टू मीट यू, केसीआर के पास आप गए, केसीआर यहां पे आए, ये क्या चल रहा है? आपको लगता है 24 में आप सब एक साथ आके कुछ यू कैन मेक अ डिफरेंस? आपको सच में लगता है कि अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के साथ मिलकर आप बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे अखिलेश? क्योंकि मां गंगा साफ नहीं हुई। अब आप दलों के बारे में बात कर रहे हो तो मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि दलों से मिलना तो ठीक है ना, इसमें क्या खराबी है? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि कोई ना कोई विपक्ष तो हो और कोई रास्ता खुले ऐसा कि जहां पर बीजेपी इसका मुकाबला किया जा सके। और लोकतंत्र में यही है कि समय समय पर गठबंधन बनते हैं, समय समय पर फ्रंट बनते हैं। जो दिल्ली में सरकार होती है उसके खिलाफ, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनते थे, आज बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि पहले बीजेपी में गठबंधन था। बीजेपी का भी तो गठबंधन है, आप यूपी में देखिए कौन सा दल उनके साथ नहीं है, सब छोटे दल है उनके साथ। अरे हमारे साथ एक दल आया, उसको भी दल को ले गए, जाने क्या लालच दिया। तो जो बात आप कहते हो कि मैं पहले चुनाव हार गया, नहीं हारे आप, मैं नहीं कह रहा हूं हुआ, ये तो अब ये भी नहीं मानेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पता नहीं रहे आप। देखिए मैं स्वीकार कर रहा हूं, ये तो मानिए, लोकतंत्र में हार जीत तो चलती है, लेकिन सवाल ये है किस समाजवादी पार्टी वहां खड़ी हो, किस किस से लड़ाई लड़ रही है? आपके प्रशासन से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, झूठे प्रचार से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, नफरत को मिटाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अरे धन दौलत जो पैसा लग रहा है चुनाव में उससे लड़ना पड़ रहा है। कोई छोटा मोटा मुकाबला थोड़ी है, नफरत की लड़ाई कोई आसान लड़ाई थोड़ी है। ये नफरत की लड़ाई मतलब? नफरत फैलाने वालों से लड़ना पड़ रहा है। कौन फैला रहा है नफरत? बीजेपी। कैसे? अरे ये कैसे पूछ रहे हो मुझसे? कैसे पूछ? आप ही से तो पूछूंगा, आप ही कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं तो मैं जनता से थोड़ी पूछूं क्यों भाई, कैसे आप बताएं कैसे? अखिलेश जी बहुत नफरत फैला रहे हैं। बहुत है? बहुत नफरत। कैसे? बहुत नफरत फैला रहे हैं। कैसे अखिलेश? कैसे बताऊं मैं? जैसे आप अपनी रैलीज में बताते हैं खिलाफ साफ साफ, आप तो उन नेताओं में से साफ साफ। मुझे याद है पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि जो छुट्टा जानवर है उसी समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार बन गई, कैटल ऑन द रोड, सरकार बन गई, कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता जिसकी वजह से, जिस दिन जान ना चली जाए किसी और की। कोई दिन ऐसा भी नहीं जाता जब आप ट्वीट नहीं करते उसके बारे में, आप ट्वीट जरूर करते हो, यहां खुला ये मिला वहां। मुझे खुशी इस बात की
कि कम से कम मेरे ट्वीट को आप भी फॉलो करें। पत्रकार हूं मैं, नहीं करूंगा तो किसको करूंगा, और मेरे को तो सबको फॉलो ट्वीट करते ट्वीट करूंगा और आप देखते रहिए, फॉलो करती रहिए, कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि बीजेपी से कितनी लड़ाई लंबी है जिससे रिपब्लिक बचाया जा सके। मान रहे हैं आपकी लंबी लड़ाई है, अभी आप बाबा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है क्या? आप खुद कह रहे हैं कि अभी लंबी लड़ाई है अखिलेश जी। देखिए लंबी लड़ाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो दल है वो दिल्ली में सरकार में है और दिल्ली की सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश में है, और जिस तरह का एजेंडा सामने रखा जाता है, मैंने जब चुनाव नहीं पड़ना मेरे पक्ष में आया तो मैंने यही कहा था कि मेरी कोशिश रही लोगों को मैं समझाऊं, लेकिन बीजेपी के लोग थे जो लोगों को बहका रहे थे, बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए, समझाने वाले हार गए। अब आप ऐसे जब आप बोलते हैं तो आप जनता के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं, आप ये नहीं सोचते? जनता के सवाल नहीं खड़ा करता हूं, नहीं हम तो आपको भी समझा रहे हैं। अच्छा, मैं तो ये कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं आप उत्तर प्रदेश में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगे जी, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बिजली का बढ़ा, क्योंकि यहां सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं किसी को ऐसा नहीं गुमराह कर दूं। ट्रांसमिशन लाइन सबसे ज्यादा बिछाई गई, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिजली हमने दी, मैं उनसे कहता हूं और कई बार कहा कि कम से कम एक बार आप 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो कह दो। आज तक एक भी बार कहा हो तो बता दो, और एक भी प्लांट लगाया हो तो बता दो यूपी में, बताओ दिल्ली की सरकार है उनकी, आप यूपी को क्यों नहीं दे रहे हो? और मुझे याद है, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, लाली टंडन जी उस समय जिंदा थे, एक बहुत पुराने विधायक वाराणसी के, श्याम राव दे चौधरी जी, वो दोनों भूख हड़ताल पे बैठ गए और उन्होंने कहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है यहां पर 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आपकी भूख हड़ताल खत्म हो, आपकी मांग मैं मान रहा हूं, और उसी दिन समाजवादी सरकार ने वाराणसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 24 घंटे बिजली दे दी। मैं लेकिन मैंने उनसे एक शर्त रखी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली की सरकार बनाता है, आप यूपी का बिजली का कोटा बढ़ा दो। मैंने हाउस में कहा, कई बार प्रेस में कहा, और मैं आपके सामने कहता हूं कि जब यूपी सरकार दिल्ली की बनवाता है तो यूपी की जनता महंगी बिजली के बिल क्यों दे? क्यों दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश के बिजली का जो कोटा होता है क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो आप भी क्या अपने जो न्यू फाउंड फ्रेंड हैं आपके अरविंद केजरीवाल, आप भी उनके लाइन पर चल रहे हैं क्या? फ्री बिजली बिजली, क्योंकि वो फ्री बिजली से फ्री दारू पहुंच गए, आप फ्री बिजली की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे मेरे को कहीं से आप मेरे को लग रहा है इंडिकेशन कि कम क्यों मिले, फिर कम से होगा इतना सम क्यों, फिर फ्री ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, और मैं तो ये जानता हूं क्यों दादा, क्योंकि हम ही हमसे कम उम्र के हैं, लेकिन हम एक ही समय के, जहां फ्री दारू होगी वहां आप भी चले जाओगे। क्यों जाएंगे दादा, मैं तो डाइट कोक पीता, मुझे क्या पता तो फ्री दारू कहां मिल रही है, मैं दारू की बात ही करने नहीं आया। आप नेता हैं? नहीं, मैं मुझे जानकारी नहीं है, आपसे मिलने आए हैं, बात करिए, क्योंकि आपने यूपी के बारे में बहुत सारा प्रचार किया, पर आप तो दिल्ली के बारे में भी बात करिए, आप मेट्रो पे बात करिए, आप क्यों नहीं महंगाई पे बात कर रहे हो? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है, क्या आप यकीन करोगे कि 100 में से 4 बेरोजगार है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं यूपी के बारे में जानना चाहता हूँ, बिल्कुल यूपी, मैं यूपी के बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यूपी में 100 में से 4 बेरोजगार है, कौन यकीन मान लेगा इस बात को? वो कहते हैं कि जीडीपी हमारी इतनी होनी चाहिए, $1 trillion इकोनॉमी के लिए 36% की ग्रोथ रेट चाहिए। ये आंकड़े वर्सेस आंकड़े से जनता का क्या फायदा होगा? अरे मैं कह रहा हूँ ग्रोथ रेट अगर 36% होगी तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल बन रहा होगा, फ्लाईओवर बन रहा होगा, लोगों को नौकरी मिल रही होगी। अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री, क्यों नहीं होना चाहिए? यही सारा तंत्र नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट करता था। नहीं नहीं अखिलेश जी समझिए ना, आप भी सीएम, मैं जानता हूँ, मैंने लैपटॉप, नेताजी की सरकार भी देखी है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये सारा तंत्र आपने भी देखा है। मैंने अपने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाते हैं, आप अपने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाते हैं, हमारे जनता बैठी है वो ये देखती है, डॉक्यूमेंट्स वर्सेस डॉक्यूमेंट्स, इट्स फैक्ट्स नॉट डॉक्यूमेंट्स वर्सेस डॉक्यूमेंट्स, व्हाई आर यू रनिंग द चैनल देन? यू टेल द ट्रुथ, वो कह रहे मैंने बनाया, यू टेल द ट्रुथ देन, जनता को क्या पता? यू टेल द ट्रुथ, व्हाट इज द जीडीपी देन? नल में पानी चाहिए, यू टेल द ट्रुथ, व्हाट इज द रेट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? यू टेल द ट्रुथ नाउ, व्हाई आर यू नॉट टेलिंग द ट्रुथ? गंगा मैया साफ नहीं हुई, यू टेल बीओडी सीओडी डिसॉल्व ऑक्सीजन ये है, व्हाई डोंट यू टेल दिस? गोमती रिवर फ्रंट में करप्शन हुआ था क्या अखिलेश जी? व्हाट आर यू नॉट टेलिंग दिस देन? आई एम आस्किंग यू, व्हाई नॉट टेलिंग अबाउट दिस? आई एम आस्किंग यू पॉइंट ब्लैंक, यू टॉक अबाउट पावर स्टेशंस देन? व्हाई आई एम, यू टॉक अबाउट, प्लीज टेल मी, आर यू सेइंग दैट इन लास्ट 8-9 इयर्स नथिंग हैज हैपेंड इन उत्तर प्रदेश? यू टेल मी व्हिच पावर प्लांट दे हैव पुट? नो, दे आर सेइंग दैट दे हैव डबल्ड द, यू टेल मी व्हिच पावर प्लांट दे हैव पुट? यू टेल मी वन पावर प्लांट? नन, यू टेल मी वन पावर प्लांट? आई एम आस्किंग यू, नन,
Are you saying today मेरे पास facts नहीं है और मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ? मेरे पास उसका facts नहीं है. When you're not listening to me, why should I say that? सुन रहा हूँ दादा, एक-एक शब्द सुन रहा हूँ. No, you're not listening to me. क्या नहीं सुना मैंने आप? You but you tell me what metro they have do, what आप हंसे बताओ कौन सी मेट्रो बनाई है यूपी में, बताइए मुझे आप. Tell one metro. नहीं बनाई. नहीं बनाई. I am thank you. वो कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद देता हूँ आपको. और शहरों में मेट्रो हम ले गए. किस शहर में ले गए? Tell the name ना. जब आपकी सरकार थी तो नोएडा में मेट्रो कहाँ तक चलती थी? No, don't lie. I should be saying this. Don't lie. मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे. Don't lie. I am asking you. I am asking you this. कि ये बताओ उन्होंने कौन सी मेट्रो बनाई है? Tell me one city जहाँ पर उन्होंने मेट्रो शुरू की हो. मतलब? You tell me which one. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अखिलेश जी, अगर आप उत्तर प्रदेश की, आप नोएडा आते हैं अब. See, look at it. There's no point. On the floor of house, I said and I asked the government. कि आप बताइए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को किस फोर लेन से आपने जोड़ा है? मुझे सदन में तो आंसर नहीं मिला. आप आंसर दे दो. सदन में नहीं मिला आपको? सदन द यूपी विधानसभा में आजकल इतना एक्साइटिंग हो गया है कि जब आप बोल रहे होते हैं या फिर मुख्यमंत्री बोल रहे होते हैं तो कब वो टसल, कब वो मतलब द्वंद युद्ध में बदल जाएगा पता नहीं चलता. आजकल तो ऐसे बात होती है, ये नहीं पता, वो नहीं पता, ये वो आर पार की लड़ाई होती है विधानसभा. झगड़ा तो आप भी करा सकते हो. मैं भी करा सकता. मेरी जरूरत नहीं है. मानोगे नहीं दूसरे की? मेरी जरूरत नहीं है. स्वीकार नहीं करोगे आप? मेरी जरूरत नहीं. आप लोग तो आपस में आप कानून नहीं मानेंगे, संविधान नहीं मानेंगे, तो भी मैं कह रहा हूं आपको रिपब्लिक बचाना है, डेमोक्रेसी बचानी है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है. आसान है काम. कौन सुन रहा है हमारी बात? कौन सुन रहा है हमारी बात? जनता तो सुनती होगी. मैं आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी सरकार ने बच्चों को आगे पढ़ाई कराने के लिए लैपटॉप दिए, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया. हजारों स्टोरीज हैं. बच्चों को पढ़ाया, हार्वर्ड चले गए. बच्चों को नहीं पढ़ाया, जॉब्स मिल गए. बच्चों को लैपटॉप दिया, आज ये पढ़ रहे हैं. बीजेपी ने कहा हम भी लैपटॉप देंगे. आप बताइए किस बच्चे को लैपटॉप दिया उन्होंने? अपने घोषणा पत्र में लिखा उन्होंने कि हम लैपटॉप देंगे. बताइए किस बच्चे को लैपटॉप दिया उन्होंने? आपने कहा हमारे बच्चे को देंगे. क्यों नहीं दिया आपने? आपने कहा कि हम एम्स इतने बना देंगे. कौन सा एम्स बनाया आपने? दो समाजवादी सरकार में बने तो उसके बाद क्या बनाया? आपने कहा हम डिस्ट्रिक्ट को मेडिकल कॉलेजेस दे देंगे. मेडिकल कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर है ही नहीं. आप मेडिकल कॉलेज कैसे चला रहे हो? आप क्या बात कर रहे हैं? आप एम्बुलेंसेज आपने जो थी बर्बाद कर दी. 102, 108, 100 नंबर वर्ल्ड क्लास पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम दिया. मुझे याद है उस समय के एक अधिकारी को मैंने न्यूयॉर्क भेजा. NYPD का हेडक्वार्टर देख करके आए, सिंगापुर का रिस्पॉन्स सिस्टम देख करके आए. जब देख करके आए उसके बाद उन्होंने यूपी का डिजाइन किया. दैट वॉज वन डायल हंड्रेड. आपने डायलेंट को याद है? आप लेके गए थे जब बस था, आपने बोला ये करा लेकिन फिर सब किया. और मुझे याद है कि जो पुलिस हेडक्वार्टर, मैं यहाँ कहता हूँ, आपसे कहता हूँ, जो पुलिस हेडक्वार्टर दिया है वो आपने दिया. वो उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस को काम करने के लिए दिया है. अरे पुलिस को काम करने के लिए दिया, बनाया तो हमने, उसका तो स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा. लेकिन उस प्रदेश सरकार को अभी तक परमानेंट DGP नहीं मिल पा रहा. कारबाग DGP, आप उसकी शोर क्यों नहीं उठाते हो? कारबाग DGP क्या होता है? क्योंकि आपका झगड़ा है दिल्ली से, इसलिए आप DGP नहीं बना पा रहे परमानेंट एक. अच्छा, अब ये बात तो अब मैं कर लूं दिल्ली की बात जब आप, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल भी बयान नीतीश, वो आप उनसे मिलते हैं नहीं, तो क्या आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं उनसे? मैं मिलूंगा और मैं मिलता रहूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकले मैं कोशिश करूंगा. नहीं, कोशिश देखिए राजनीति में ये वो, अब भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद इज अ पार्टी विच फाइट एवरी इलेक्शन टू विन. बंगाल में TMC ने हराया उनको, लेकिन फिर भी आपने देखा किस तरह से उन्होंने वहां जोर लगाया. तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें पता होता है हार या जीत, वो इलेक्शन में जोर लगाते हैं उत्तर प्रदेश में. और नेशनली आपको लगता है सचमुच अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता दीदी आपसे मिलने आती हैं, आप वहां जाते हैं, KCR साहब, ऑल ऑफ दीज लीडर्स कमिंग टुगेदर? मैं तो अच्छी बात है, ये क्या खराब बात है? अगर बीजेपी अलायंस कर रही है, ये यूपी में बीजेपी एक पार्टी से अलायंस थी, दूसरी पार्टी से अलायंस, इसका कोई फर्क पड़ेगा या ऐसे ही है टाइम पास पड़ेगा? अगर यूपी में जैसे अलायंस कर करके बीजेपी जीती है, हमने भी अलायंस किया, हमने मुकाबला किया. आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि देश के कई दल जो लड़ रहे हैं कोई ना कोई रास्ता निकालें. क्योंकि आप देखिए ना, महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या जब है. जब आप लोग एक साथ आके इस बार जब जनता के सामने जाएंगे, अभी भी निकाय चुनाव, लोकल इलेक्शन उत्तर प्रदेश में चालू है, क्या वो आपसे पूछेंगे नहीं कि भाई ये माफिया के खिलाफ जब एक्शन होता है, गैंगस्टर्स को जब अरेस्ट किया जाता है और गैंगस्टर्स को जब तो मैं स्वीकार कर रहा हूं की राजनीति आपके कई
प्रवक्ता कई आपके नेता कुछ भी बोलते हैं, किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो कोई इस पे आपत्ति नहीं, कानून कहता है जो कानून तोड़ेगा उस पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई करिए, किससे रोका है? तो लेकिन कार्रवाई में भेदभाव क्यों हो रहा है? कार्रवाई में भेदभाव क्यों हो रहा है? कैसा भेदभाव, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप देखिए, यूपी के टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफिया निकालिए, उन सब पे कार्रवाई करिए। मैंने वो आपकी लिस्ट देखी थी, वो जो समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल हैंडल से आपने फिर वो ट्वीट तो हमारा ईशर ने दिया, उसमें आपने नहीं लगता कि आपने कुछ भेदभाव किया? समाजवादी पार्टी भेदभाव, उसमें मुख्तार अंसारी का नाम, अगर मैं भेदभाव कर रहा हूँ, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, क्या आपकी माफिया की लिस्ट में मुख्तार अंसारी का नाम था? हमारी समाजवादी पार्टी ने, हम कोई एजेंसी नहीं है जो हम किसी की लिस्ट बनाए माफिया को, आपने बनाई, सरकार को माफिया की लिस्ट नहीं है। आप वरिष्ठ नेता, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन बनाऊंगा, आप झूठ नहीं बोल सकते, आपने बनाई, मेरे पे कोई एजेंसी थोड़ी है जो मेरी लिस्ट बनाते हैं। आपने ऑफिशियली आपकी पार्टी के हैंडल से ऑफिशियली पुलिस हेडक्वार्टर के ऑफिस में कोई डीजीपी बैठा हूं, किया ये काम ऑफिशियली आपने किया, और क्या उसमें मुख्तार अंसारी का नाम था? मैं तो फ्रेंकली पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, सवाल ये नहीं है, जो माफिया है, जो गलत लोग हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई। सारी माफिया हैं आपके हिसाब से? मैं कौन होता हूँ? कोर्ट नहीं तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट फैसला ले, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? जब आप जनता के बीच जाते हैं, आप तो जाते हैं जनता के बीच, मेरे को पता आपको जाना है, जल्दी आपकी फ्लाइट है, ये जब आप जाते हैं जनता के बीच और आप जब ये कहते हैं मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये गैंगस्टर है कि नहीं है, मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये माफिया है कि नहीं है, तो वो आपसे बोलते नहीं, वोट तो मैं आपको देता हूं, वही चीज वो बीजेपी को भी बोलते होंगे, कांग्रेस को भी बोलते होंगे, बीएसपी को भी बोलते होंगे कि वोट तुम्हें देता हूं तो तुम डिसाइड करो ना कि मुख्तार अंसारी को टिकट दोगे कि नहीं दोगे। देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी से आपने मैं ये भी कहता हूं कि ऐसी भी सरकार ना हो कि जो मुख्यमंत्री अपने केस वापस लो, ऐसे मुख्यमंत्री अपने केस बताएं, ये बात गलत क्या है? आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? अगर मेरे पे आप ये आरोप लगा रहे हैं मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तो आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? कौन मुख्यमंत्री तो आरोप बोला है जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? अखिलेश जी, मैंने कहा आरोप बोला, मैंने नाम भी लिया, मैंने शब्द भी लिया। मैं ये जरूर जनता में कहता हूं, माफिया हो, अपराधी हो, गुंडे हो, बदमाश हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, जेल जाएं, कड़ी कार्रवाई हो, कौन नहीं कहता, कौन पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहती? लेकिन सवाल ये भी है कि आप उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर पे ही हारे थे इलेक्शन, आपको याद है ना? नहीं, लॉ एंड बीजेपी कहती है कि उन्होंने आपको लॉ एंड ऑर्डर पे हारा। आप कैसे तय कर दोगे लॉ एंड ऑर्डर पे हारा? नहीं, जनता डिसाइड करती है, आप या मैं नहीं करते, जनता करती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने किया कि लॉ एंड ऑर्डर पे आप हार गए अखिलेश? जिस सरकार ने पुलिस को वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया हो, पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम था ही नहीं, पुलिस पहुंचती नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल भरने वाला नहीं था, ये पुलिस विभाग के अधिकारियों से आप पूछिए कि क्या थाने में जो गाड़ी होती थी उसमें डीजल पेट्रोल के लिए बजट होता था कि नहीं होता था? अखिलेश जी, तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए। नेता जी के साथ बहुत ट्रैवल किया है, आप जानते हैं कि नेता अफसरों से नहीं जनता से पूछता, और जनता ने जवाब दिया, जनता ने आपको एक बार नहीं दो दो बार जवाब दिया कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद यू। और ये मैं नहीं जनता कह रही, उत्तर प्रदेश की जनता, मैं तो नेशनल में बातें नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने बोला। अगर आप बेटर कर सकते हैं, और मान लीजिए लास्ट आंसर ऑन दिस, मैं 24 में जीत करके आऊं तब आपसे इंटरव्यू करूंगा, तो अगर आप आएंगे तो, और आप प्रॉमिस करिए आज अर्णब बैठे आऊंगा कि आप सबसे पहला इंटरव्यू अर्णब को देंगे उस दिन, जब जिस दिन अगर आप 24 में जीते, जीते या हारे, वॉट एवर, योर फर्स्ट इंटरव्यू टू अर्णब, जीतने पर हारने पे नहीं दूंगा, एंड इट्स लाइव। ये क्या, हम भी समझदार हैं अर्णब जी जितने, नहीं नहीं समझदार हैं आप, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दैट वाज अखिलेश यादव, सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर। थैंक यू सो मच, थैंक यू अखिलेश। साथियों, आप सबके बीच आना स्वाभाविक है, का आनंद होता है। अगले महीने रिपब्लिक टीवी के 6 साल पूरे